हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। ये मेरा लास्ट ऑनलाइन लेक्चर होगा। टुमारो ऑनवर्ड आपके जो ऑफलाइन लेक्चर लगेंगे ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है बेटा? तो आप आएं और हम कल से ब्लैक बोर्ड स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा? रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस इज नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, एक साथ हो, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बेटा? जैसे देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसमें देखो, जिंक अकेला है, अगर अकेला कोई एटम हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो, ठीक है? कॉपर की अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसको एक्स मान लो। सल्फेट पे चार्ज होता है माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉपर सल्फेट पे कोई चार्ज नहीं तो इक्वल टू जीरो। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? प्लस टू। तो कॉपर पे क्या चार्ज आया बेटा? प्लस टू, ठीक है? जिंक सल्फेट में अगर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको एक्स मान लो। सल्फेट का चार्ज याद रख लेना बेटा माइनस टू होता है, टोटल जिंक सल्फेट पे कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू जीरो। तो एक्स क्या आ गया? प्लस टू। तो जिंक सल्फेट में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? प्लस टू। कॉपर यहाँ पे अकेला है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, जो अकेला एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। तो देखो बेटा, जिंक रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो, प्रोडक्ट में हो गई प्लस टू। प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक की बेटा लॉस हुए इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा ऑक्सीडेशन, प्लस का मतलब होता है लॉस होना। यहाँ देखो, कॉपर रिएक्टेंट में प्लस टू था, पहले इसके पास दो लॉस थे इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में आके जीरो हो गया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तभी जीरो हुआ। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जीरो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो जीरो। तो यहाँ पे देखो, कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन, क्योंकि इसने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक की ऑक्सीडेशन थी जीरो, उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, बेटा प्लस टू आ गई। प्लस का मतलब होता है लॉस, माइनस का मतलब होता है गेन। यहाँ पे देखो, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट थी प्लस टू, प्लस टू से जीरो हो गई, मतलब उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तभी प्रोडक्ट में जाके जीरो बना। तो कॉपर की हो रही है रिडक्शन, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक कॉपर क्या है? कॉपर टू पॉजिटिव, जिंक सल्फेट में भी जिंक टू पॉजिटिव और कॉपर फिर जीरो। अब देखो, जो सल्फेट आयन है, यहाँ पे भी माइनस टू, यहाँ पे भी माइनस टू, दोनों में सल्फेट आयन माइनस टू है, उनकी ना ऑक्सीडेशन हुई ना रिडक्शन, इसका मतलब वो स्पेक्टेटर आयन है। ऐसा आयन जिसकी ना ऑक्सीडेशन हो ना रिडक्शन, उसे कहते हैं स्पेक्टेटर आयन, ठीक है? तो देखो बेटा, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसने दूसरे की रिडक्शन करवाई है, इसीलिए जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इसने दूसरे की रिडक्शन करवाई है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर की क्या हुई है? रिडक्शन, कॉपर ने दूसरे की ऑक्सीडेशन कराई है, तो कॉपर क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन हो, उसने दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाई है, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस इज नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? पहला, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, आपको कैसे पता लगा? जिंक रिएक्टेंट में अकेला है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, जो अकेला होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो मानी जाती है। जिंक सल्फेट में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, क्योंकि सल्फेट की क्या है? माइनस टू। तो जीरो से प्लस टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। कॉपर सल्फेट रिएक्टेंट में कॉपर प्लस टू है, प्रोडक्ट में जाके कॉपर जीरो हो गया, प्लस टू से जीरो, पहले दो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब वो कमी पूरी होगी प्रोडक्ट में जाके, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है बेटा, वो दूसरे की रिडक्शन करवा रहा है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसकी रिडक्शन हो रही होती है बेटा, वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है? देखो बेटा, ये लिखा है, द सब्सटेंस विच इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड ब्रिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस। जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, वो दूसरे की रिडक्शन करा रहा है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इन अबव केस जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। और वो सब्सटेंस जो अपने आप रिड्यूस हुआ और दूसरे की उसने ऑक्सीडेशन करवाई, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। अबव एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, ठीक है?
क्वेश्चन क्या है, शो दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो साइड बाय साइड एंड रिडॉक्स रिएक्शन इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। आपने बताना है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलती है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। देखो बेसिकली जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, जीरो, यहाँ पे अकेले, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू। कॉपर की यहाँ पे क्या है प्लस टू, और प्रोडक्ट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जीरो। तो देखो बेटा जिंक ने जीरो से प्लस टू, जीरो से प्लस टू मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। जो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो कॉपर ने गेन कर लिए, क्योंकि कॉपर प्लस टू से जीरो हो रहा है। तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हैं कॉपर ने वो कौन से किए हैं, जो जिंक ने लूज किए हैं। जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो दो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन कर लिए, कॉपर की रिडक्शन हो गई और जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई। तो एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। जिंक गेट ऑक्सीडाइज टू जिंक प्लस टू। देखो जिंक से क्या हुआ, जिंक ने बेटा क्या बनाया है, जिंक टू पॉजिटिव। रिएक्टेंट में जिंक है, प्रोडक्ट में जिंक टू पॉजिटिव है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे तभी जिंक टू पॉजिटिव बना। रिएक्टेंट में कॉपर टू पॉजिटिव है, प्रोडक्ट में कॉपर है, मतलब कॉपर टू पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तभी बेटा कॉपर बना। देखो जिंक ने जिंक टू पॉजिटिव बनाया मतलब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कॉपर टू पॉजिटिव ने कॉपर बनाया मतलब उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी कॉपर बना। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ये दो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की तरफ, ये प्रोडक्ट की तरफ, ये कैंसिल हो जाएंगे। रिएक्टेंट की साइड क्या है, जिंक और कॉपर टू पॉजिटिव। प्रोडक्ट की साइड क्या है बेटा, जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन की, जिंक ने जिंक टू पॉजिटिव बनाया, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बना, टू इलेक्ट्रॉन गेन हुए। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट की साइड है, ये रिएक्टेंट की साइड है। अब ऐड करेंगे तो जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव रिएक्टेंट की साइड, जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर प्रोडक्ट की साइड। जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बन रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दो तरह के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं बेटा, द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन सेम वेसल। वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम वेसल में हो उसे कहते हैं बेटा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो बेटा अगर मैं जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूं, जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूं और एक बर्तन में ही ये सारा प्रोसेस हो, तो क्या होगा बेटा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या होगा बेटा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्योंकि जिंक यहाँ कॉपर टू पॉजिटिव, इसमें जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर, ये जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बन रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो एक ही वेसल में हो रही है, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है बेटा, जिंक टू पॉजिटिव बना रहा है मतलब दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। कॉपर क्या कर रहा है, टू पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है मतलब दो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखो तो दो से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव विल गिव यू जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये सारी रिएक्शन एक ही वेसल में हो रही है तो इसे कहते हैं बेटा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बेटा। जिंक जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वही दो इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन कर लेगा, तो इस रिएक्शन को कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये सेम वेसल में हो रही है, एक ही वेसल में हो रही है, ठीक है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन सेपरेट वेसल। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग वेसल में हो बेटा तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। देखो एक में हमने जिंक रॉड जिंक सल्फेट में डिप की, एक में हमने कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट में डिप की, तो ये हो गया इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की, जिंक की ऑक्सीडेशन अलग वेसल में, कॉपर की रिडक्शन अलग वेसल। ओके बेटा, बाकी हम कल करेंगे।